अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ यप्पी पास्ता की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो ट्राई कलर में आता है, तीन कलर में आता है। और ये मुझे कुछ गिफ्ट्स आए थे उसी में आया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका एक रेसिपी भी शेयर कर लिया जाए, तो इसीलिए मैं एक ही पैकेट का इस्तेमाल यहाँ पर कर रही हूँ। तो चलिए हम इस रेसिपी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो गार्लिक होता है उसे फाइनली चॉप कर लिया है। साथ ही में मैंने तीनों कलर की शिमला मिर्च ले ली है, उसे भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। कुछ मेरे पास बेबी कॉर्न थे तो वो भी मैंने कट कर लिया है। और ग्रीन चिलीज़ ली है, वो एक या दो ही ली है, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो या वरना आप स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने पानी रख दिया था बॉयल करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा पानी जब अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो हम इसमें ये हमारा पास्ता ऐड कर देंगे। और ये उसी का टेस्ट मेकर है तो मैंने उसे निकाल लिया है, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पानी बॉईल हो रहा है। पास्ता को बॉईल होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट ही लगेंगे और ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा। तो हमें इसे इसका जो पानी है वो निकाल देना है और पास्ता को साइड में रख देना है। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। यहाँ पर वही हमारा गार्लिक हम इसमें ऐड कर लेंगे और थोड़े से सॉटे कर लेंगे। और अब हम इसमें हमारे पास जो बेबी कॉर्न है वो ऐड कर देंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डालिएगा वरना मत डालिएगा। तो इसे पकने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हमारे पास जो बॉयल वाला पानी था जिसमें हमने पास्ता को बॉयल किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे, गर्म पानी। और साथ ही में हम सारी शिमला मिर्च भी इसमें ऐड कर देंगे अभी, ये देखिए। और ये वही टेस्ट मेकर है, उसे भी ऐड कर देंगे। पानी के साथ ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, वरना वो ठीक हो जाता था। तो पानी है इसमें तो ये अच्छे से स्मूथ हमारा सॉस रेडी है। और साथ ही में हम इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और 1/4 टीस्पून हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। सॉल्ट बहुत ही कम, क्योंकि टेस्ट मेकर में भी ये सॉल्ट होता है, तो मैंने बहुत कम डाला है। और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर पास्ता ऐड कर लेंगे हम और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ देखिए, तो ये हमारा पास्ता रेडी हो गया है। कितना अच्छा लग रहा है और कलरफुल लग रहा है। ये जो वेजिटेबल मैंने यूज़ किया है ये टोटली ऑप्शनल है, आपको यूज़ करना है तो ही आप डालिएगा। यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा चीज़ था तो वो भी मैं ऐड कर दे रही हूँ। तो ये देखिए हमारा पास्ता रेडी हो गया है, कितना कलरफुल और बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्विक रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।